नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सीबीएसई ने बनाया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, 3 साल के औसत पर मिलेंगे अंक। एजी वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जानकारी दी है कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थितियां सामान्य होने के बाद वह फिजिकल तरीके से परीक्षा दे सकते हैं। अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो वह ऐसा कर सकेगा। नोवावैक्स वैक्सीन का वयस्कों पर प्रभावी असर देखने के बाद अब बच्चों पर जुलाई में प्रशिक्षण कर सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टीका निर्माण के लिए करार करने वाली नोवावैक्स वैक्सीन ने सोमवार से कहा कि उसका टीका कोविड 19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। उसने बताया कि यह वायरस के सभी स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अगली खबर राम मंदिर से जुड़ी है। साक्षी महाराज बोले, रसीद दिखाकर अपना दान वापस ले सकते हैं संजय सिंह और अखिलेश यादव। साक्षी महाराज ने कहा कि संजय सिंह और अखिलेश यादव ने राम मंदिर के लिए कुछ दान किया है तो वह रसीद दिखाकर अपना दान वापस ले सकते हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर बने 10,000 घर टूटेंगे, आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इससे पहले 7 जून को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालात में जंगल की जमीन खाली होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। 26 वर्षीय कश्मीरी युवक ने फतेह किया माउंट एवरेस्ट। 10 दिन तक तेज हवाओं के कारण रास्ते में फंसा रहा था महफूज इलाही। महफूज के लिए यह कठिन साहसिक कार्य था क्योंकि वह माउंट एवरेस्ट पर तेज हवाओं के कारण कैंप 2 में एक टीम के साथ 10 दिनों तक फंसे रहे थे। आम आदमी को राहत सरकार ने बड़ी दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन परमिट समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की परमिट समेत कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी गई है। अगली खबर एमपी से जुड़ी है। भोपाल में मिला कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस। देश में अब तक सिर्फ इसके केवल 6 मरीज मिले हैं। माना जा रहा है कि बेहद संक्रामक है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से इस महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक सैंपल में वायरस का डेल्टा प्लस वेरियंट मिला है, बाकी में डेल्टा और अन्य वेरियंट। अक्षय कुमार पहुंचे कश्मीर बांदीपुरा के स्कूल के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। फौजियों के साथ किया भांगड़ा। इस दौरान अक्षय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना के अन्य जवानों से नीरू गांव में ही मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी मिल सकती है विदेश जाने की अनुमति। WHO ने EOI किया स्वीकार। कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता दिलवाने के क्रम में भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट WHO के सामने सबमिट किया था। उससे इस वैश्विक संगठन ने स्वीकार कर लिया है। घर घर राशन योजना जल्द होगी लागू। सीएम केजरीवाल ने LG को फिर से भेजी फाइल। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में इस योजना को रोकना गलत होगा। 3 साल में 4 बार LG को घर घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गई, लेकिन LG ने इसका विरोध नहीं किया। सीएम हेमंत के दिल्ली दौरे पर बीजेपी बोली, कांग्रेस नेताओं के घर नतमस्तक होना झारखंड की जनता का अपमान। पिछले 24 घंटे से सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली में मौजूदगी पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधा है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। 15,800 के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा निफ्टी। मेटल और पावर के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में आई गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इंडेक्स आउट पर फॉर्म कर रहे हैं। RBI की बड़ी रिपोर्ट, कोरोना के दूसरे वेव से इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का झटका। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि कोरोना के दूसरे वेव से इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में 2-4 हफ्ते के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। टास्क फोर्स कोविड के लिए बने स्टेट टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में अगले 2 से 4 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। गाजियाबाद में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स के लिए चलेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को प्राथमिकता पर वैक्सीन लगाई जाएगी। माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रद्द 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें बहाल। फेरों में की जा रही वृद्धि। रेलवे ने 9 जोड़ी रद्द स्पेशल ट्रेनों को बहाल करने और उनके फेरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। रद्द ट्रेनों में सभी 5 जोड़ी ट्रेन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें हैं। वहीं जिन ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की जा रही है वह सभी 4 जोड़ी ट्रेनें सप्ताह में 2 बार चलने वाली हैं, जिनको प्रतिदिन संचालित करने का फैसला किया गया है। लोनी बुजुर्ग पिटाई कांड, ने वीडियो में पुलिस की ताबीज थ्योरी निकली सही। अपनी गलती मानता दिखा समझ।
लौनी बुजुर्ग पिटाई कांड ने वीडियो में पुलिस की ताबीज थ्योरी सही निकली है, अपनी गलती मानता दिखा सब। दिल्ली मेट्रो एनसीआर प्लेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।